आज हम बात कर रहे हैं 19 के 19 दिग्गजों की कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो बेहद अहम रहने वाले हैं इस बार केंद्र सरकार के लिए। और पंजाब की जब बात आती है तो बादल परिवार का जिक्र जरूर होता है। 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, 2 बार डिप्टी सीएम रहे सुखबीर सिंह बादल और एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर। जाहिर है पंजाब में ऐसा सियासी दमखम रखने वाला खानदान कोई दूसरा नहीं दिखता। पीएम मोदी जब वाराणसी से दूसरी बार लोकसभा का पर्चा भरने पहुंचे तो अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल का पांव छूकर आशीर्वाद लिया। प्रकाश सिंह बादल के प्रति पीएम मोदी का यह सम्मान महज एक वरिष्ठ नेता के तौर पर नहीं बल्कि उस शख्स के प्रति थी जो पंजाब के सबसे बड़े सियासी कुनबे के सिरमौर है। पंजाब में बादल कुनबे की सियासी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रकाश सिंह बादल खुद 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं तो उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। बहू हरसिमरत कौर केंद्र की एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जाहिर है पंजाब में ऐसा सियासी दमखम रखने वाला खानदान कोई दूसरा नहीं है। इस परिवार से बीजेपी का रिश्ता दशकों पुराना है। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी इस बार 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जिसमें से सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर सीट से मैदान में है तो हरसिमरत कौर बठिंडा सीट से चुनाव लड़ रही है। पंजाब में अकेला पति पत्नी का जोड़ा है जो एक साथ चुनावी मैदान में उतरा है। सुखबीर सिंह बादल लंबे गैप के बाद लोकसभा की लड़ाई में फिर से दांव आजमा रहे हैं तो हरसिमरत कौर की नजर जीत की हैट्रिक पर है। 1996 और 1998 में सुखबीर सिंह बादल फरीदकोट से सांसद बने। वो 1998-99 में वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने जबकि 2001 से 2004 के बीच वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे लेकिन उसके बाद वो राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए। वहीं हरसिमरत कौर 2009 के बाद 2014 में बठिंडा सीट से जीत चुकी हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में किसका पलड़ा भारी रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बादल परिवार के बारे में पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार का जितना दमखम पंजाब में दिखता है केंद्र में वो दमखम कितनी भागीदारी निभाता है। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं, अभिलाष खांडेकर जी जुड़ गए हैं, राजेश बादल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशील पंडित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जितेंद्र सिंह अकाली दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं लेकिन उससे पहले विशाल ठाकुर जरा एक बार इस परिवार का सियासी गणित केंद्र से लेकर पंजाब तक बताइए और इस चुनाव में जबकि खुद कैप्टन कांग्रेस की तरफ से यह कह चुके हैं कि जिम्मेदारी सारी मेरी होगी, जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, कितना अहम रहने वाला है इस परिवार, ये परिवार और इसकी भूमिका। जी बिल्कुल, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस टाइम चाहे शिरोमणि अकाली दल भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में जो है कड़ा मुकाबला है। और अगर तीसरी बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं देखती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम शिरोमणि अकाली दल की यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी दांव कहीं ना कहीं साख पर लगी हुई है क्योंकि जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल जो है सिख पंथ की राजनीति करती है और इसी को लेकर अभी जो पीछे जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब की जो बेअदबी हुई थी उसको लेकर काफ़ी रोष है, जो यहाँ की आवाम है उस पर कहीं ना कहीं रोष है और उसी को लेकर जो है कई बड़े नेता जो थे इनके टकसाली नेता थे वो पार्टी छोड़कर चले गए थे तो उससे भी कहीं ना कहीं इनको खमियाजा जो है इन चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि 13 की 13 सीटें हम यहां पर जीत रहे हैं लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में अपने ही जो नेता है वो उनके खिलाफ खड़े हो गए, नवजोत सिंह सिद्धू के हमने यहां पर बयान देखे तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के लिए भी जो है एक सीधी डगर जो है यहां पर दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन जिस तरह से अगर शिरोमणि अकाली दल के नेताओं की बात करें चाहे वो सुखबीर
हरसिमरत बादल चुनावी मैदान में, हरसिमरत कौर बादल जो है वो भी चुनावी मैदान में है। हरसिमरत कौर की बात की जाए तो 2014 में जिस तरह से मोदी लहर थी, लेकिन वो फी सिर्फ 20,000 मतों से यहाँ पर जीती हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर उनको जो है यहाँ कड़ी टक्कर देने वाली है। और दूसरी बात, फिरोजपुर से जिस तरह सुखबीर बादल जो है चुनावी मैदान में है और वो अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, तो कहीं ना कहीं साख जो है वो श्रोमणी अकाली दल की यहाँ पर नजर आ रही है, और खासकर पंजाब है, और उसी की राजनीति जो है वो केंद्र को लेकर जाती है, क्योंकि हरसिमरत कौर बादल जो है केंद्र में मंत्री रही हैं और उनका ये कहना था कि पिछले 5 सालों में उन्होंने खासकर बठिंडा में काफ़ी काम करवाए हैं। अब देखना होगा कि जनता जो है वो उनके काम को लेकर यहाँ पर वोट करती है या फिर जिस तरह से पंजाब में सिख राजनीति होती है उसको लेकर यहाँ पर वोट करती है। श्रोमणी अकाली दल जो है उसकी साख दांव पर तो है ही, साथ ही साथ बादल परिवार की साख भी दांव पर लगी हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ उनका रुख कर लेते हैं। अभिलाष जी, जिस तरीके से हमने पहले ही जिक्र किया कि पंजाब की राजनीति की बात हो और बादल परिवार का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के जो नतीजे हम देख रहे हैं उसमें बादल परिवार या कहें शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर कुल मिलाकर 6 सीट मैक्सिमम लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है क्योंकि कांग्रेस जिसका पूरा जिम्मा सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह पर है वो अच्छी खासी चुनौती देती हुई नजर आ रही है और बादल परिवार की साख दांव पर नजर आ रही है। निश्चित रूप से यदि हमने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में जब बादल सरकार गिर गई थी, जो जिसका अलायंस था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन उनका दबदबा काफी था पंजाब में, लेकिन भयानक मतलब जिसको कहते हैं उनके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगे, उन्होंने जिस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल पेश किया, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसके चलते अमरिंदर सिंह सरकार कांग्रेस की मतलब कांग्रेस की सरकार अमरिंदर के नेतृत्व में लौट के आई अपने आप में एक अजूबा था। उस जमाने में ऐसा लग रहा था कि शिरोमणि अकाली दल को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी पिता पुत्र की जोड़ी और उसके साथ में उनकी पत्नी जो केंद्र में मंत्री थी, ये सब होने के बावजूद अकाली दल की हालत बहुत खराब हुई थी। और मुझे लगता है आज के एग्जिट पोल में जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर वो बिल्कुल सही है कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा पंजाब में पैठ है नहीं, क्योंकि वहां पर अकाली दल वर्षों से साथ में, इसलिए उन्होंने साथ में लिया उनको। यदि आप वैसे ही अलायंस पार्टनर की बात देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिकॉर्ड वर्षों में सुधार लिया, वहां पर भी शिवसेना का दबदबा था, लेकिन पंजाब में वो स्थिति नहीं हो पाई। पंजाब वैसे छोटा राज्य है लेकिन पंजाब में वो स्थिति नहीं हो पाई, लेकिन हरियाणा में उन्होंने अपनी सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा पे भी आएंगे, पंजाब की बात करेंगे, तो जो आप कह रहे हैं सर, इसीलिए 10 सीट पर अकाली दल और 3 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और पूरा दारोमदार अगर पंजाब का कहें तो अकाली दल पर है। अगर कैप्टन से भिड़ंत हो रही है तो अकाली दल की हो रही है, यानी कि कांग्रेस के सामने अकाली दल ही है, बीजेपी 3 सीटों पर। और अमरिंदर सिंह ने भी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मेरे को राहुल गांधी नहीं चाहिए पंजाब में, मैं अपने दम पर जिता के लाऊंगा, और उन्होंने दिखा के दिखा था। बिल्कुल, और ये बात इस बार अच्छी है, फिर से उन्होंने लोकसभा राजघराने से वो बिलोंग करते हैं, पटियाला राजघराने के है, और उन्होंने जो रिकॉर्ड किया ये बात अलग है कि उनकी और सिंधु की वो नवजोत सिंह सिंधु के झगड़ा हो रहा है, और उन्होंने 2 दिन पहले बयान दिया है कि नवजोत सिंह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वहां पर उनकी सरकार में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन इसी अमरिंदर सिंह के की लीडरशिप में आपने देखा होगा कि सुनील जाखड़ ने उपचुनाव बहुत जोरदार तरीके से 2 साल पहले। जी बिल्कुल, हमारे साथ जितेंद्र सिंह अकाली दल से है। जितेंद्र सिंह जी, एक तरफ सीधे सीधे कैप्टन ये ऐलान कर चुके हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है लोकसभा चुनाव की, हार हो तो जिम्मेदारी मेरी, जीत हो तो जिम्मेदारी मेरी। विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये साबित भी किया कि वो आप लोगों से आगे निकल गए हैं। अब जब कड़ी टक्कर आप लोगों को 10 सीट पर, तो आप ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कड़ी टक्कर कांग्रेस से मिल रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी भागीदारी केंद्र में ज्यादा होने वाली है या कम हो सकती है? सच मायने में कांग्रेस के अंदर कितनी बड़ी फूट है ये मैंने बठिंडा में देखा भी रह के, कि प्रियंका जी ने और सिद्धू जी ने कैप्टन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, और सिद्धू जी ने तो ठोक के कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई राजा नहीं आ सकता है और आने वाला मुख्यमंत्री भी मैं हो सकता हूं। मुझे लगता है कि अकाली दल के सामने एक बहुत बोना कद है पंजाब में कांग्रेस का। अदरवाइज अगर पीछे का हिसाब किताब देखें तो अकाली दल ही एक ऐसी पार्टी है विश्व की सबसे बड़ी जो सिखों का नेतृत्व करती है, 1920 में गठित है पार्टी जो पंजाब का भला कर सकती है, वो कांग्रेस नहीं करती है। लेकिन सिद्धू का जिक्र आप कर रहे हैं, जितेंद्र कांग्रेस के होते हुए सिद्धू का जिक्र आप कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव में तो सिद्धू आपके ही पाले में थे ना, बीजेपी के साथ ही थे, तो अब कांग्रेस के साथ जाकर उनको ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे, तो नुकसान कैसे पहुंचा देंगे?
सर कांग्रेस में रहते हुए वो कांग्रेस की बगावत कर रहे हैं, अकाली दल में रहते हुए वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी वो महत्वाकांक्षी बहुत ज्यादा थे, अभी भी महत्वाकांक्षी हैं, इसलिए वो मुंह की चोट खाएंगे। और इस बार जो उन्होंने अब शब्द बोले हैं और सारी सीमाएं लांघ के बादल परिवार के खिलाफ, बादल परिवार वो परिवार है जिसका हिंदुस्तान की आजादी में सेक्रीफाइस है। बादल साहब 19 साल 20 साल जेल में रहे हैं, आजादी की लहर पंजाब से शुरू हुई है 1920 में। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलना मैं समझता हूँ सिद्धू के खिलाफ जाता है, और सिखों ने वोट भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के कैंडिडेट को दिया। लेकिन एग्जिट पोल में तो ये नजर नहीं आ रहा है जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी से ज्यादा सीटें लेती हुई नजर आ रही है। 6 से 8 सीटें मिल रही है हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को, एग्जिट पिछली बार 3 सीट मिली थी। देखिए अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ आप बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल पे फैसला नहीं है, फैसला तो जनता ने देना है। मैं रह के आया हूँ अभी बठिंडा के अंदर, मैं देख के आया हूँ देश भर में जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं उसको मान रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो एग्जिट पोल है उसको आप नहीं मान रहे। देखिए पंजाब में हमेशा हम एक बार बीजेपी अकाली रहे हैं, एक बार कांग्रेस रही है, मुझे लगता है कि हमारी बढ़त बहुत अच्छी तरह से होगी, और लोग काम को वोट दे रहे हैं जो अकाली दल के टाइम में हुए, चाहे वहाँ एयरपोर्ट बने हैं चाहे सड़कें बनी है, आज जनता अपने मुंह से कह रही है, हवाबाजी नहीं की है। नतीजे आएंगे क्योंकि इस वक्त एग्जिट पोल जो है वो कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं।